इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आज इसे कंप्लीट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, ईएमआई के अंदर, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज वी इनटू एरिया। नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ के अंदर जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगी, फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, ईएमएफ इंड्यूस होनी बंद हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल है कि जैसे जैसे आप मैग्नेट को पास लेके आते हो किसी भी कॉइल के, ईएमएफ जनरेट होगी, आप वहाँ रोक लेते हो तो ईएमएफ जनरेट होनी बंद हो जाती है। दूसरा लॉ ये बोलता है ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। जितनी तेजी से एक्सपेरिमेंट करोगे, तेज कॉइल को घुमाओगे, तेज मैग्नेट को लेके आओगे, ईएमएफ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इज माइनस डी फाई बाई डी टी। लेंज लॉ डायरेक्शन बताता है, और लेंज लॉ ये बताता है कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो कैसी होगी, इन सच अ डायरेक्शन दैट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। जैसे अगर आप यहाँ पर बी को पढ़ा रहे हो तो ये कॉइल अपना बी अपोजिट कर लेगा और बी को क्या करेगा, कम कर देगा, ताकि और करंट को ऐसे मूव करवाएगा ताकि बी को कम कर सके। लेकिन अगर आप बी को यहाँ पर कम कर रहे हो तो आप कॉइल अपना भी इधर जनरेट कर लेगा ताकि बी बढ़ जाए। ऐसी प्रॉब्लम की बजाय थोड़ी और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी बजाय, अभी करके दिखाऊंगा आपको मैं। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के साथ वैलिड है, जितनी तेजी से आप मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो कॉइल के, उतना ही ज़्यादा एनर्जी उसमें लगेगी और वर्क डन लगेगा और उसमें उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो एडी करंट्स हैं, एडी करंट शीट के अंदर इंड्यूस करंट को एडी करंट्स बोलते हैं, इज माइनस डी फाई बाई डी टी। एडी करंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, अगर मान लो एक एक कॉइल है इसमें और इसमें मैग्नेट के बीच में मूव कर रही है, एडी करंट मोशन को अपोज करते हैं, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करते हैं, तो ऐसे जनरेट होंगे कि अगर ये क्लॉक वाइज घूमे, एंटी क्लॉक वाइज घूमे, एडी करंट ऐसे जनरेट होंगे कि मोशन को अपोज करते हुए इसको रेस्ट पे ही रखेंगे और कॉइल मूव नहीं कर पाएगी। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप इस शीट की कटिंग ऐसे करो ताकि करंट को ज़्यादा रास्ता कवर करना पड़ जाए, तो रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ ज़्यादा कवर करेगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगी, तो करंट इसमें कम हो जाएगा, एडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड, ताकि इसकी शेप को चेंज कर सकें। तो एक कॉइल है, करंट एकदम पैदा होता है तो उस पर ढक्कन जो है वो हवा में उड़ जाता है, क्योंकि इसमें एडी करंट जनरेट होते हैं, क्योंकि कॉइल अपने फ्लक्स को बढ़ा रहा है और ये कैप नहीं चाहेगा कि इसका फ्लक्स बढ़े, तो दूर भागेगा ताकि अपने फ्लक्स को कम कर सके। नेक्स्ट है इसके अंदर टू मिनिमाइज एडी करंट, जो ट्रांसफार्मर के कोर्स हैं वो शीट्स की फॉर्म में काट दिए जाते हैं, और ताकि उसमें एडी करंट जो जनरेट हो वो इकट्ठे ना हो पाए और बहुत ज़्यादा हीट ना जनरेट हो पाए, अलग अलग शीट में छोटे छोटे एडी करंट्स ही जनरेटेड हो, तो इसलिए इसको शीट में बांटा जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन। एक कॉइल के अंदर अगर आप करंट को कम या ज़्यादा करेंगे तो ये ऐसा नहीं होने देगी, ऐसे अपोज करेगी, करंट को बढ़ाओगे या कम करोगे दोनों केस में फ्लक्स चेंज होगा और इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। तो ये देखा गया है कि इसमें अगर करंट आए हैं तो फ्लक्स की वैल्यू फाई है, तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, और फाई इज कॉइल की जो डायमेंशन है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एल इन टू आई, तो फाई इज एल आई। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो एल बाहर आ गया, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस इज द वैल्यू फॉर इंड्यूस ईएमएफ। ये क्वेश्चन आ सकता है सेल्फ इंडक्शन, एल निकालो किसी भी कॉइल का, तो आप एक कॉइल लें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इन टू एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, फ्लक्स एक टर्न का क्या होगा, बी इंटू एरिया, और बी क्या है, म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया, और कितने टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ये फ्लक्स आ गया टोटल। लेकिन फ्लक्स क्या होता है, एल आई, दोनों फ्लक्स की वैल्यू को आप इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके आई से आई कैंसिल, एल की वैल्यू आपके पास आएगी जो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में ये बताया गया है कि जो फ्लक्स है, क्योंकि इसमें दो कॉइल्स हैं, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल नंबर वन है, कॉइल नंबर टू है, ये फर्स्ट कॉइल है और ये सेकंड कॉइल है। मान लो फर्स्ट कॉइल में करंट आए है और फ्लक्स किसका चेंज लेना होता है, इसमें
सेकेंड क्वाइल का, जिसमें करंट नहीं है। तो जिसमें करंट नहीं है उसका फ्लक्स जिसमें करंट है उस करंट पे डिपेंडेंट है, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, और साथ में इनकी कॉइल के डायमेंशंस पे डिपेंड करता है एम, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एम आई। तो यहाँ पर ईएमएफ किसमें जनरेट होगी, जिसमें करंट नहीं है, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी और फाई की जगह एम आई, तो आप यहाँ पर फाई की जगह एम आई पुट करोगे तो माइनस एम डी आई बाई डी टी, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आएगी माइनस एम डी आई बाई डी टी, ये याद रखना है आपने। हैंडी इसके यूनिट्स हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक कैपिटल एम की वैल्यू निकाली जाए दो कॉइल्स की आपस में, तो हम ये मानते हैं कि एक कॉइल में करंट है एक में नहीं है, तो जिसमें करंट है उसमें बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जिसमें करंट नहीं है उसका फ्लक्स क्या होगा, जिसमें करंट है बी वन इंटू एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स इसके खुद के एन टू के, तो ये फ्लक्स किसका निकल रहा है जिसमें करंट नहीं है, और बी किसका यूज हो रहा है जिसमें करंट है। तो यहाँ पर बी वन की वैल्यू को पुट किया, ये फ्लक्स आ गया, और जो सेकेंड कॉइल का फ्लक्स है जिसमें करंट नहीं है वो फर्स्ट कॉइल के करंट पर डिपेंडेंट है और इन टू एम, तो फ्लक्स की दो तरीके से वैल्यू आ गई, इन्हें इक्वेट किया और एम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से एल और एम, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स के अंदर अगर ये दो कॉइल्स हैं तो इसमें ई एम एफ इज ई वन प्लस ई टू, ई क्या होता है एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इसमें कॉइल्स में सेम रहेगा बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड है, तो एल सीरीज में क्या होगा एल वन प्लस एल टू। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाएगा आई वन प्लस आई टू, इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं डी आई बाई डी टी डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी, तो ई क्या होता है एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी क्या होता है ई बाई एल, तो इसकी जगह ई बाई एल टू ई बाई एल वन ई बाई एल पी, तो वन बाई एल इज वन बाई एल वन वन बाई एल टू। इस क्वेश्चन के आने की प्रॉबिलिटी बहुत ज्यादा है मोशनल ई एम एफ की। एक लूप हम बाहर निकाल रहे हैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स में से, एल इसकी लेंथ है, एक्स ये डिस्टेंस है, तो इसका एरिया कवर्ड कितना है इसका एल इंटू एक्स, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी बी इंटू एरिया, एरिया कितना है इस टाइम एल इंटू एक्स। ई एम एफ क्या होती है माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह बी इंटू एरिया, डी एक्स बाई डी टी क्या है इसकी वेलोसिटी वी, तो आंसर आएगा बी एल वी। तो ई इज इक्वल टू माइनस बी एल वी या इज इक्वल टू बी एल वी का एक्सप्रेशन बहुत बार आता है, तो ई एम एफ का पॉइंट समझ में आ रहा है कि ई इज माइनस बी एल वी का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, तो थ्योरी में बुकलेट के अंदर तो बस इतना ही है। ठीक है, यहाँ तक EMI एक छोटा चैप्टर है, EMI और AC एक कंप्लीट फैमिली ऑफ चैप्टर है, ये तो आदि है, तो कंप्लीट तो EMI एंड AC है, तो आप 2019 और 18 के पेपर आज मैं सॉल्व करवाऊंगा उसमें देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन आया हुआ है EMI में से पूरे पेपर में से, और वो 5 नंबर का भी आया है, वो 3 का भी आया है, और उसमें एक तो डायनमो ही आ रहा है लगातार 2 साल से, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मुझे लगता है कि इस बार ट्रांसफॉर्मर आ सकता है पर डायनमो भी आ सकता है रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों में से एक तो आएगा और इसका न्यूमेरिकल भी आएंगे, एसी डायनमो विद न्यूमेरिकल, एसी ट्रांसफॉर्मर विद न्यूमेरिकल, ये तो पक्का इनमें से एक पक्का आएगा। और इसके अलावा मोशनल ईएमएफ भी आया हुआ है, और जो आज मैं करवा रहा हूं, मैं करवाऊंगा ही उतना जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक, तो एसी में से भी जाता है, एसी ईएमआई में से कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन में से 8-10 नंबर का आना है, तो आधा आना है एसी आधा आना है ईएमआई, इस बार होता है ज्यादा आ जाए बिकॉज सेमीकंडक्टर कॉम्बिनेशन कट गया, तो हो सकता है इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा की तरफ चली जाए, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस बार। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये हमने एक शीट की थी, शीट नंबर 79 उस टाइम, तो एनसीईआरटी में से बनाई थी मैंने पूरी, उसमें से बुक में से यूलाइक में से और एसएल में से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने बताया था बी ए कॉस थीटा या बी ए, फिर मैं लेंस लॉ करके दिखाया था, अगर क्वेश्चन आता है लेंस लॉ पे तो कैसे करना है, तो मैंने ये बताया था लेंस लॉ में कि अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है, इस कॉइल के नॉर्थ पास आ रहा है, तो ये भी नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब यहां से करंट कैसे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पास आ रहा है अगेन एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये कौन सा पोल होगा साउथ, साउथ का मतलब यहां से करंट कैसे दिखेगा क्लॉकवाइज, नॉर्थ रेस्ट पे है तो कोई करंट नहीं इसमें दिखेगा आपको, नॉर्थ पास आ रहा है तो ये नॉर्थ दिखेगा इस तरफ से उल्टा, नॉर्थ ये तो रेस्ट पे है, ये ट्रॉली ही पास आ रही है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा, तो यहां से करंट कैसे गा एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पास आ रहा है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा, तो यहां से करंट कैसे गा एंटी क्लॉकवाइज, इसके अंदर नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहां से ये फेस क्या दिखेगा साउथ, तो इस तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज,
करंट यहां पर डिक्रीज हो रहा है तो बी अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, कॉइल नहीं चाहेगा कि इसका अंदर का बी डिक्रीज हो, कॉइल भी अपने अंदर अपना बी अंदर जनरेट कर लेगा, तो करंट कैसे होगा इन क्लॉकवाइज। ठीक, अब जैसे इसमें करंट क्या हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, अगर करंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो बी कैसे होगा आउटसाइड, तो अगर बी आउटसाइड होगा तो ये नहीं, और बी बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ दिखेगा तो बी की वैल्यू यहां पर आउटसाइड है, तो ये नहीं चाहेगा, ये अपना बी अंदर कर लेगा, तो ये करंट क्लॉकवाइज। पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट इज कि अगर ये क्वाइल लटका हुआ है नॉर्थ पास आ रहा है तो ये नॉर्थ और ये साउथ पता लग रहा है इसमें, नॉर्थ पास आ रहा है तो ये नॉर्थ और ये साउथ ये भी पता लग रहा है इसमें। इसके अंदर मैंने बताया था कैपेसिटर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी है ये, और आई भी हुई है काफी बार कैपेसिटर में, ये कईयों को ऐसा दिखता है कि कैपेसिटर बोर्ड के बाहर है और ये वाला हिस्सा अंदर है, कईयों को लगता है कि कैपेसिटर अंदर है और ये वाला हिस्सा बाहर है। मैंने बताया था कि उल्टा भी लग सकता है इसमें, आपको चेक कर लो। ठीक है, तो इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं, आप किसको कैसा लगे क्या कह सकते हैं, लेकिन जो बुक्स कहती है हम तो वैसे ही सोचेंगे, एनसीईआरटी की बुक कहती है कि ये कैपेसिटर अंदर है और ये बाहर है, तो ये ऐसे है, मींस ये लूप ऐसे पड़ा हुआ है, नॉर्थ पास आ रहा है तो ये वाला, ये ऐसे है लूप, तो ये वाला फेस क्या होगा नॉर्थ होगा, नॉर्थ का मतलब करंट कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैपेसिटर आगे की तरफ नहीं है, कैपेसिटर पीछे की तरफ ऐसे लगा हुआ है पीछे, है ना, इसमें पीछे की तरफ, तो करंट कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कुछ इस तरीके से है। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो इंड्यूस करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होता, वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो नीचे वाली प्लेट नेगेटिव ऊपर वाली पॉजिटिव, तो इसलिए नीचे वाली नेगेटिव ऊपर वाली पॉजिटिव, ऐसे सोचना है आपने। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद जैसे ये है, कह रहे इसमें ऑन किया स्विच को, इसमें करंट पड़ा, तो इस लूप का क्या हुआ, लूप बार दूर भागेगा, क्योंकि इसमें जब बी पड़ेगा तो सर्कुलर लूप के अंदर भी लाइंस क्रॉस करेंगी, और लूप नहीं चाहता कि उसका फ्लक्स बढ़े, उसको अपोज करने के लिए लूप दूर भागेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि सपोज करो आपके पास ये करंट, जैसे ये मान लो इसमें रेजिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस को अगर कम कर रहे हैं तो करंट इसमें इंक्रीज हो रहा है, अगर करंट इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसका बी आउटसाइड इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं चाहेगा कि, क्योंकि इस चक्कर में इसका भी इंक्रीज हो रहा है तो ये नहीं करने देगा इसे, तो ये अपना बी अंदर कर लेगा ऑपोजिशन के लिए, तो करंट कैसे होगा क्लॉकवाइज। ठीक, नेक्स्ट है नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये वाला फेस साउथ, नॉर्थ पास आ रहा है तो ये वाला फेस नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ ये वाला साउथ। जैसे सपोज साउथ इसके पास आ रहा है तो ये साउथ ये नॉर्थ, तो इसके अंदर ये साउथ में मतलब क्लॉकवाइज करंट है, पर आपने ऐसे नहीं बोलना करंट सी से डी है, आपने एम मीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है, तो एम मीटर में करंट डी से आएगा और सी पे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इसलिए आंसर डी से सी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, तो आप रॉड को मूव करवा रहे हो टूवर्ड्स राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी, कैसे बी आई एल, बी बोर्ड के बाहर है डॉट है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, पर हम तो प्रोटॉन्स की तरफ लेते हैं उल्टा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो फोर्स कहाँ लगेगी इन पे ऊपर, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे ऊपर, ऊपर भागेंगे तो ऊपर इकट्ठा होंगे तो नेगेटिव, नीचे डेफिशिएंसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो करंट नीचे, तो इंड्यूस करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है यहां तक? तो फ्लेमिंग के रूल से इलेक्ट्रॉन पे मोशन देखेंगे और फिर माइनस प्लस करके इंड्यूस करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जैसे इसके अंदर ये क्रॉस है, क्रॉस 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 मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, तो अगर इसमें लूप एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में लूप एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो ये नहीं चाहेगा, क्योंकि जब लूप एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो नहीं चाहेगा कि फ्लक्स बढ़े, ये अपना भी अंदर कर लेगा, तो नहीं मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इनसाइड है तो अपना भी बाहर कर लेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है तो अपना भी बाहर करेगा और करंट को इस तरीके से मूव करवाएगा, मतलब ये जब लूप में एंटर कर रहा है तो क्रॉस 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 में एंटर, तो क्रॉस बढ़ रहा है मतलब अंदर का फील्ड बढ़ रहा है, तो ये नहीं चाहेगा अंदर का फील्ड बढ़े, तो अपना फील्ड बाहर करके ऐसे, लेकिन जब ये ट्राइंगल बाहर जा रहा है
तो इसका फील्ड बी अंदर का कम हो रहा है, तो ये चाहेगा कि इसका भी बी अंदर ही चला जाए, तो क्लॉकवाइज है ठीक, क्योंकि बी अंदर की तरफ इसका कम हो रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, तो इसका तो बी कम हो रहा है, तो ये नहीं चाहेगा, अपना बी भी अंदर कर लेगा, तो करंट क्लॉकवाइज होगा। इसके अंदर देखें ये भी बाहर आ रहा है, अगर ये बाहर आ रहा है इसका क्रॉस कम हो रहा है, ये नहीं चाहेगा कम हो, तो ये भी अपना बी इनसाइड करके करंट को ऐसे जनरेट कर लेगा। तो लॉजिक कैसे लगाना है, करंट का पॉइंट समझ में आ रहा है ठीक। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है लेंस लॉ के ऊपर जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी जो यू लाइक में आएंगी तब की तब देखेंगे कैसे करना है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है ईएमआई के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया गिवन है, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, प्लेन नॉर्मल टू दी फील्ड। तो प्लेन नॉर्मल टू दी फील्ड का मतलब क्या है कि अगर ये प्लेन है और ये नॉर्मल है, तो इसका प्लेन नॉर्मल टू दी फील्ड, मतलब सॉरी ये फील्ड है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्लेन नॉर्मल टू दी फील्ड का मतलब प्लेन ऐसे है, तो यानी कि एरिया वेक्टर, लूप का एरिया वेक्टर और बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन राइट। तो याद रहेगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन नॉर्मल है, पर हमने तो बी और एरिया में एंगल देखना होता, अगर प्लेन नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर भी नॉर्मल है, तो बी के साथ जाएगा, तो इसलिए एंगल क्या लिया, जीरो, क्योंकि थीटा एंगल क्या होता है, बी और ए के बीच में एंगल होता है, तो बी ए कॉस थीटा। अब जैसे उसने बोला कि 30 डिग्री टू द फील्ड, तो आपने क्या करना है, अगर प्लेन ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 एंगल बनाया, तो उसके नॉर्मल ने 90 माइनस 30 यानी कितना बनाया होगा, 60। इंपॉर्टेंट है, बी ए कॉस थीटा में आपको प्लेन का एंगल बी के साथ गिवन है, पर आपको नॉर्मल का एंगल लेना होता है, तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा, बी ए कॉस थीटा, सीधा मत लगा देना बी ए कॉस थीटा। पॉइंट क्लियर है, यहां तक ट्रिक समझ में आ रहा है, नोट क्लियर है, एक बार फिर से, ये लूप है ठीक, और ये फील्ड है। अगर मैं बोलता हूं कि ये लूप नॉर्मल टू दी फील्ड है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, तो इस लूप का जो नॉर्मल है वो भी तो ऐसे जाएगा, एंगल बिटवीन बी एंड एरिया इज जीरो। तो शॉर्टकट है, अगर प्लेन ने बी के साथ एंगल 90 बनाया, तो 90 में से इस एंगल को माइनस कर दो, जीरो अपने पास जाएगा। चलो जैसे इसने एंगल 30 बनाया बी के साथ, 30 बनाया ये वाला, पर हमने तो नॉर्मल के साथ लेना है, तो नॉर्मल और इसके बीच में एंगल 90 है ना, तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये एंगल कितना है 30, तो ये कितना है 60 हो जाएगा, तो 90 में से माइनस कर लिया करो बी ए कॉस थीटा में ठीक। नेक्स्ट क्या है इसमें, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, फ्लक्स गिवन है और यहां से सॉल्व करके इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा ये रहा, और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है कब, जब टाइम कितना है 2 सेकंड, अगर 2 पुट करेंगे ईएमएफ की वैल्यू आएगी, और रेजिस्टेंस गिवन है तो ई बाय आर करके करंट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। तो इंड्यूस ईएमएफ की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ये, जैसे इसमें जनरेटर की प्रॉब्लम्स का है, ये बी ए कॉस थीटा पे सारी प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं भी आगे देखता हूँ। इधर देखे पहले मोशनल ईएमएफ के अंदर शीट नंबर 81 थी, ये सब कंपटीशन का था, मैं बता देता हूँ इसमें से क्या क्या करना है। जैसे अभी हमने एक लूप को, रेक्टेंगुलर लूप को बाहर निकाला, तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आई थी बीएलवी। उसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक रॉड को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में से क्रॉस करवा रहे हैं तो वी वेलोसिटी से, तो डीटी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है वी इंटू डीटी, और लेंथ कितनी है एल, तो फ्लक्स क्या होगा बी इंटू एरिया, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ क्या है वी इंटू डीटी, तो ई क्या होगा डी फाई बाई डीटी, तो डी फाई की वैल्यू यहां पर पुट की, dt by dt क्या है 1, तो आंसर आएगा BLV राइट। तो ये वैल्यू है, इसके अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक रॉड अगर सर्कल में घूम रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्रॉस करती हुई, कट करती हुई जा रही है, तो ओमेगा क्या होगा d थीटा by dt, और एरिया कवर्ड क्या होगा इसमें हाफ इंटू बेस इंटू, ये लेंथ कितनी है छोटी सी dl, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो dl is r d theta, तो ये एरिया आ गया, तो ये स्मॉल एरिया कवर्ड आ गया, और d phi क्या होता है b into area,
तो b इंटू एरिया करके ये डी फाई आ गया, डी फाई बाई डी टी करेंगे डी टी बाई डी टी वन, तो हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस पूरी शीट में दो ही चीजें काम की हैं, एक रॉड की इमोशनल ईएमएफ और ये वाला फॉर्मूला। बाकी तो देखो इसमें सब कॉम्पिटिशन बेस्ड इस तरीके से चल रहा है, बीएलवी का फॉर्मूला है, ये कैसे लगेगा ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर ये मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन बेस्ड है सारा। इमोशनल ईएमएफ इन एनसीईआरटी पे एक शीट दी थी यहां से बीएलवी, इसके अंदर एक तो ये टॉपिक अभी मैंने करवाया, ये रहा, जब ये रॉड मूव करेगी तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने बीएलवी प्रूव करवाया आपको, ये रहा, इस शीट के अंदर भी आपने नोट किया होगा, मैंने मार्क करवाया था इंपॉर्टेंट इस शीट में से मुझे याद है। फिर इसी शीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने मार्क करवाया था और कहा था आता है, वो है करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप क्या होता है, बीएलवी डिवाइडेड बाय आर करेंगे तो क्या जाएगा उसका करंट आ जाएगा, तो करंट की वैल्यू आ गई। ये पेपर में 2019 में आया है, फोर्स की वैल्यू निकालो, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, फोर्स की वैल्यू निकालो जब आप उस रॉड को खींच रहे हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड क्या होगी, फोर्स क्या होगी बी आई एल साइन 90, मैंने डिफिकल 90 पे है, तो आई क्या होता है बी एल वी बाय आर। तो ये एक्सप्रेशन प्रूव करने को आया है कि एक अगर आप एक रॉड को या लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो फोर्स रिक्वायर्ड कितनी है, हो जाएगी प्रूफ बी आई एल में आई की जगह बी एल वी बाय आर। फिर एक और पार्ट आया है जिसमें पावर के ऊपर आया है, पावर क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स आपको पता है इनटू वेलोसिटी करेंगे तो क्या आएगी पावर की वैल्यू आएगी। फिर जब आप करंट मूव प्रोड्यूस करवाएंगे इसमें इंड्यूस होगा तो वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगा, हीट क्या होता है आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू बी एल वी बाय आर, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो आप देखेंगे जितनी पावर आपने लगाई खींचने में सारी की सारी हीट में डिसिपेट हो गई। ये तीनों एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया 2019 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है और आपके पास नोट्स होंगे उसमें लिखा होगा आपने इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी में लिखवाया था, ये मुझे अच्छे से याद है और यहीं से लिखवाया था मैंने। ओके, इसके अंदर एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, दो दो टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं, दो तीन टाइप के, इसमें से एक आना ही आ जाता है, वैसे 2019-18 में आया ही हुआ है। जब भी एक प्लेन एरोप्लेन जिसकी लेंथ एल विंग्स की उड़ेगा तो वो ना अर्थ के वर्टिकल लाइंस को कट करता हुआ जाएगा, तो पूछेगा एरोप्लेन की विंग्स के क्रॉस मोशनल ईएमएफ क्या डेवलप होगा, आप लिखेंगे बीएलवी, और बी कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बी ऑफ ई इनटू एल इनटू बी, तो हॉरिजॉन्टल नहीं लगाना, कोई भी चीज जब हॉरिजॉन्टल मूव कर रही होगी अर्थ के ऊपर तो मोशनल ईएमएफ बीएलवी में बी वर्टिकल लगेगा, और कोई भी चीज अगर वर्टिकल नीचे गिर रही होगी तो हॉरिजॉन्टल फील्ड को कट करती हुई जाएगी तो बी एच लगेगा इनटू एल इनटू वी। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है बी ऑफ वी पता है एल पता है तो बीएलवी से मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आएगी। जैसे जैसे एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे ट्रेन जा रही है तो ट्रेन के ट्रेन एक लेंथ एल की तरह इस तरीके से है तो मोशनल ईएमएफ क्या डेवलप होगी, हॉरिजॉन्टल जा रही है ना, नीचे तो नहीं गिर रही, जब हॉरिजॉन्टल जा रही है तो बीएलवी में भी वर्टिकल। बस फर्क ये होगा इन टाइप के क्वेश्चन में आपको वर्टिकल बी ऑफ वी गिवन नहीं होगा, आपको हॉरिजॉन्टल गिवन होगा और एंगल ऑफ डिप गिवन होगा, एंगल ऑफ डिप से पहले आप बी वर्टिकल निकालेंगे और फिर अपना आंसर निकालेंगे। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करेंगे। फिर जैसे ये टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कंडक्टर है, एक कंडक्टर नीचे गिर रही है 10 मीटर, 10 मीटर पे पहले तो वेलोसिटी निकाल लें v²-u²2gh करके, फिर क्योंकि वर्टिकल गिर रही है तो मैंने क्या बताया था बी के अंदर हॉरिजॉन्टल बी एल बी, तो मोशनल ईएमएफ के ऊपर ये टाइप की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है तीनों। क्या एक आइडिया क्लियर है यहां तक, ठीक। ये एडी करंट्स मैंने बता दिया अभी आपको, मैं भूल गया ये शीट मैंने बुकलेट के हटके मैंने हाथ से लिख के भी दी थी शायद, मैं याद नहीं रही, ये सेल्फ इंडक्शन मैंने करवा दिया था, यहाँ हाथ से लिख के पूरी शीट बनाई थी, एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इंडक्शन है और इस एग्जाम्पल की बजाय यहाँ पे इसकी डेरिवेशन है, म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन जो भी हमने ऊपर की वो सारी की सारी है। ग्रुपिंग सीरीज पैरेलल, ये रहा क्वेश्चन है, जब आप इसे स्विच ऑन करेंगे
तो कौन सा बल्ब पहले ब्राइट होगा? तो क्योंकि जैसी करंट जाएगा तो इसे अपोज करेगा, तो ज्यादातर करंट शुरू में कहां से पास करेगा? आर में से, तो बल्ब बी टू ज्यादा ब्राइट होगा। ठीक, अब वो कह रहा है विल द टू बल्ब बी इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा इनमें, और जब करंट स्टेडी हो जाएगा तो सेल्फ इंडक्शन एल अपना रोल प्ले करना बंद कर देगा, करंट दोनों में बराबर जाएगा, इसलिए इक्वली ब्राइट हो जाएंगे वो, लेकिन काफी देर के बाद जब वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन एल कैसे चेंज होती है अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करूं, कम करूं, तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर, एन अगर कम होगा तो एल भी कम होगा। फिर नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन एल कैसे चेंज होती है अगर मैं इसके अंदर कॉपर की कॉइल या कोई कॉपर कॉइल जो है ये जो आयरन कोर को इंट्रोड्यूस कर दूं, चलो कॉपर कॉइल तो ये इंडक्टर है, आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो आयरन करने से आपका रिजल्ट म्यू नॉट के साथ म्यू नॉट म्यू आर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और आपका रिजल्ट म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक, जब आप की को प्रेस करेंगे, वो कह रहा है की इज प्रेस्ड लैंप ग्लोज डिमली एंड व्हेन ओपन लैंप बिकम्स ब्राइट वाई, तो कह रहे की को प्रेस किया तो बल्ब क्या हो गया, ब्राइट हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, जब आपने ओपन किया तो ये जो है वो ब्राइट हो गया। देखो ओपन में ब्राइटनेस समझ में आता है, क्यों, क्योंकि जब आप ओपन करते हो की को तो सारी एनर्जी इंडक्टर के पास है, वो बल्ब के थ्रू जाएगी, तो बल्ब तो ब्राइट होगा ही होगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन पहले क्या है, जब आपने बंद किया इसे तो ये डिम क्यों हो गया, तो उसने कहा रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कॉइल होती है कम, कॉपर की तार की रेजिस्टेंस होती है कम, तो ज्यादातर करंट इसमें से फ्लो कर गया, इसको करंट कम मिला इसलिए ये डिम हो गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब आपने इसको ओपन कर दिया तो ये मैक्सिमम करंट इसमें से पास हो गया, और कोई रास्ता था भी नहीं, तो बल्ब एकदम ब्राइट हो गया। ठीक, कॉइल क्यू इज कनेक्टेड टू लो वोल्टेज बल्ब पी, तो कॉइल क्यू ये ना बल्ब के साथ है, वो कह रहा है कि इसमें और पी के पास रख दिया, गिव रीजन बल्ब बी लाइट्स, बल्ब बी लाइट क्यों हो गया, जब एसी सोर्स है, एसी सोर्स कॉन्टिन्यूसली फ्लक्स को क्या कर रहा है, चेंज, जब ये चेंज होगा भाई म्यूचुअल इंडक्शन ये भी चेंज, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी जो बल्ब को ऑन कर देगी। ठीक, आंसर मिल गया इसका, म्यूचुअल इंडक्शन, बल्ब गेट्स डिमर इफ क्यू इज मूव्ड अवे फ्रॉम टू द लेफ्ट, तो क्यू को अगर लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन कम होने से बल्ब डिम होता जाएगा और फिर म्यूचुअल इंडक्शन स्टॉप्स प्लेइंग इट्स पार्ट, फिर जीरो हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। इसका ग्राफ याद रखना है, जब एक मैग्नेट को इस इंडक्टर के अंदर घेरा जाता है तो पहले ये इसे अपोज करेगा, इसमें करंट जनरेट करेगा, और जब मैग्नेट बिल्कुल बीच में आ जाएगा तो उस केस में इसके इंड्यूसमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो जब ये पास आ रहा है तो ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है, फिर आधी मैग्नेट अंदर जाती जा रही है तो फिर कम हो रहा है और फिर बिल्कुल जीरो हो गया, और फिर मैग्नेट नीचे से निकलेगा तो उल्टे पोल्स खींचेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, लेकिन फिर मैग्नेट दूर चला जाएगा, कम होता होता जीरो होगा, तो ये वेरिएशन याद रखना है, साइनोसाइडल नहीं है ये, बस एक ऐसा वेरिएशन है। ठीक, नेक्स्ट जो है इसमें ये रहा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है कि सपोज x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू बी, x इक्वल टू टू बी, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट नहीं है, इस रॉड को आपने यहां से शुरू करना है खींचना 2b तक, फिर जीरो पे ले आए, मतलब एक बार इस रॉड को यहां से यहां फिर यहां ऐसे है। ठीक, कोई डाउट इसमें? तो वो कह रहा है कि इसमें ना ग्राफ प्लॉट करने हैं आपको फ्लक्स के, पावर के, फोर्स के, जो भी दुनिया जहान भी था सबके ग्राफ प्लॉट कर दो, तो कर दो फिर, पहले फ्लक्स से शुरू कर लेते हैं। तो फ्लक्स जैसे जैसे रॉड इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है, लेकिन जब इसको क्रॉस करेगी बी और टू बी के बीच में तो फील्ड तो खत्म ही हो गया, वो तो इतने रीजन तक ही था बस, उसके बाद तो रॉड यहाँ आ जाएगी, तो फ्लक्स विल नॉट चेंज,
इसीलिए 0 और b के बीच में तो फ्लक्स चेंज होगा बी एल एक्स, मोशनल ही में बी एल एरिया की जगह एल इंटू एक्स लेंगे, बी इंटू एरिया, उसके बाद फील्ड खत्म, बी और टू बी के बीच में कोई फील्ड नहीं है, तो कहां तक फील्ड है, सिर्फ बी तक। ये नहीं है कि फ्लक्स होगा नहीं, फ्लक्स होगा लेकिन फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा बस, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो फ्लक्स का ग्राफ क्या बनेगा, यहां से यहां तक, जीरो से बी तक फ्लक्स बढ़ रहे, फिर कॉन्स्टेंट हो गया बी इंटू एल इंटू बी, फिर जब वापस आएगी रॉड फिर कम होता हुआ जीरो हो जाएगा, जब रॉड वापस आएगी तो जीरो हो जाएगा। तो जब तक फील्ड के अंदर मूवमेंट हो रही है तब तक फ्लक्स चेंज होगा, जब फील्ड से बाहर निकल गया तो फ्लक्स कॉन्स्टेंट है। ग्राफ क्लियर है? उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो यहां पर फ्लक्स इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी माइनस डी बाई डी टी और बी एल एक्स, डी एक्स बाई डी टी वी होता है माइनस बी एल बी, लेकिन जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉन्स्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसलिए चेक करो, जब तक आप जीरो और बी रीजन में है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्योंकि फ्लक्स पॉजिटिव है, ई क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ईएमएफ नेगेटिव है, फिर बीच में फ्लक्स कॉन्स्टेंट था तो ईएमएफ जीरो है, कॉन्स्टेंट है तो जीरो है, फिर फ्लक्स नेगेटिव हो गया तो ईएमएफ पॉजिटिव है, कॉन्स्टेंट है, तो ये ग्राफ इसके साथ का बनेगा, ठीक। फिर इसमें करंट का ग्राफ बनाना है, करंट का तो सेम ग्राफ है, ई डिवाइडेड बाई आर, बस यहाँ पे लिख देना माइनस बी एल वी बाई आर, बनानी हुआ ऐसा बनाना भूल गया, पर ग्राफ सेम बनेगा, करंट और ईएमएफ में कोई वेरिएशन का फर्क नहीं, सेम है। और उसके बाद है करंट के बाद फोर्स, थोड़ी देर पहले फोर्स का फॉर्मूला याद करने को कहा मैंने, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, अभी किया था प्रूफ, इंपॉर्टेंट बोला था। तो जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक तो फोर्स है, जब फ्लक्स ही चेंज कॉन्स्टेंट हो गया तो फोर्स क्या लगेगी, कुछ भी नहीं, तो फिर जीरो हो जाएगा। इसलिए ग्राफ इसमें फोर्स का ये बनेगा, फोर्स होगी, फिर बीच में फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो गया, कोई फोर्स नहीं होगी, फिर होगी, सेम सेम वेरिएशन है इसका भी, लेकिन वो कहेगा पावर का बनाओ जब ग्राफ, तो पावर के अंदर v स्क्वायर होता है, तो v का नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर ही नहीं कि रॉड इधर जा रही है इधर जा रही है, इसमें तो था पहले रॉड बाहर आ रही है फिर रॉड अंदर जा रही है, बीच में कुछ नहीं है, इसमें दोनों पॉजिटिव बनेंगे, पावर में ग्राफ हमेशा पॉजिटिव बनते हैं, नेगेटिव नहीं बनते। तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत पहले एक बार आ गया था, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, बाई चांस अगर ऐसा आता हो तो एटलीस्ट हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है यहां तक, ठीक है। मैं यू लाइक से पहले एक बार ना, इसके तो कोई अंत है नहीं, मैं एक मिनट पहले ना जरा इसके पेपर ही आपको बता दूं जरा आया क्या हुआ, एक बार वो दिखा देता हूं। पहले देखो 2019 में क्या क्वेश्चन आया, जब लोगों ने बहुत शोर मचाया कि 2019 का पेपर तो देखने वाला था, अब देख ही रहे हैं मैं तो हर क्लास में, मतलब ये मैंने एक चीज बहुत ऑब्जर्व की है, अपने साल का पेपर ही सबको मुश्किल लगता है,
आप 10 ईयर करके जाए, आपको 10 साल में पेपर में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, आपको बस 2020 का पेपर ही लगेगा कि थोड़ा सा लगा, बाकी सब ठीक ही थे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जब ये 2019 का आया था तो लोगों ने बहुत, मतलब अखबारों में भी आया था, इट वॉज ट्रिकी एंड लेंथी एंड टफ। तभी क्या है, जब इसको करते हैं तो यार ठीक ही लग जाता है, फिर वो, मतलब देखो 2 साल की क्या आपकी रीडिंग है। तो सेकेंड क्वेश्चन तक तो आया नहीं, थर्ड तक तो कोई नहीं आया, फोर्थ तक भी नहीं आया, फिफ्थ सिक्स तक EMI नहीं आया, सेवन्थ तक नहीं आया, एट्थ नाइन्थ नहीं आया, टेंथ भी नहीं आया, 11वां 12वां 13वां 14 15 भी नहीं आया, 16 तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये आया 17th क्वेश्चन में। इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जा रहे हैं, क्या निकालना है, ए पार्ट में फोर्स एक्टिंग ऑन ON, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ON, भाई ON कहां पर, ये रहा ON, क्योंकि ये जो वायर का पार्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड के तो बाहर है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज जीरो। फिर दूसरा था फोर्स पावर रिक्वायर्ड टू मूव द फ्रेम, पावर का एक्सप्रेशन आज हमने किया B² L² V² R। मैं बताता हूं ये मुश्किल कैसे पेपर है, किन के लिए मुश्किल है, वो भी अपनी जगह सच्चे है। लोग याद करके जाते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेशंस, कोफिशिएंट ऑफ L कैसे निकलेगा, M कैसे निकलेगा, है ना, स्टैंडर्ड डेरिवेशंस बुकलेट वाली, फिर वो उनको झटका लगता है ये क्या हो गया यार, हमने तो पूरा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दिया, या तो देखा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ आता है, उनको लगता है झटका। जो बहुत थर्ड कैटेगरी से पढ़ के जाते हैं कि बस याद कर जाएं और पूरे नंबर आ जाएं, नहीं आता। ये लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट जो थोड़ा सा समझ के आया है उसी के 90+ आए, जो ऐसे डेरिवेशन याद करके लिख के आया है उसके ना आए, वो भी ठीक है अपनी जगह यार, अगर थोड़ा सा पूछेंगे सही तरीके से तभी लोग, तभी तो फिल्ट्रेशन होगी कौन 70 80 90 का स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो बेटर है कि आप तैयारी वैसी करो जैसे पूछते हैं। तो ये तो चलो एक क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में। नेक्स्ट इसके अंदर लो डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर आ गया, एसी जनरेटर आ गया, और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कैसे जनरेट होती है जब लूप घूमता है वो आ गया, ठीक हो गया। तो ठीक है ये तो चलो स्टैंडर्ड उन्होंने ठीक ही मेंटेन कर लिया, साथ ही एक न्यूमेरिकल भी दे दिया, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस गिवन, वर्टिकल डायमीटर एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ घूम रहा है, तो बी आपको गिवन है, आपको ईएमएफ मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल निकालनी है। पहली बात तो ये कि जब कॉइल चाहे सर्कल घूमे चाहे रेक्टेंगल घूमे, ये है तो जनरेटर का क्वेश्चन, जनरेटर के क्वेश्चन में कभी बोल के नहीं आएगा या डायनो या जनरेटर का क्वेश्चन है, बस कॉइल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो जनरेटर हो गया। जनरेटर या डायनो का ईएमएफ हमने क्या निकाला था, NBA ω sin ω t, अगर याद हो तो डेरिवेशन थी NBA ω sin ω t, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं। ये लो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमने किया था, एसी जनरेटर में आपने पहले एसी जनरेटर है क्या ये लिखना है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसका, फिर आपने इसमें इसका ये डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम के अंदर ये नहीं ये वाला, तो इसमें दो डायग्राम बनाने हैं जिसके अंदर आपको वो रिंग्स और ये सब पोजीशन दिखा के एक बार करंट राइट और एक बार लेफ्ट करके दिखाना है, फिर आपने इसमें कंस्ट्रक्शन लिखनी है आर्मेचर फील्ड मैग्नेट स्लिप रिंग और ब्रशेस, फिर आपने मैथमेटिकल वर्किंग लिखनी है, फ्लक्स क्या होता है बी इंटू एरिया, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो n इंटू बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, और सर्कुलर मोशन में एंगल क्या होता है ओमेगा टी, तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो ईएमएफ क्या होती है, -d∅/dt, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो NBA ω क्या होता है, ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ है, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की डेरिवेशन है। और उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर भी आपने देखा, और ट्रांसफॉर्मर आपको याद होगा मतलब दो ही तो एक्सप्रेशन है इसके अंदर करने वाले, तो ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा वो, इसका प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है, वर्किंग करनी है, और फिर नंबर ऑफ टर्न्स EP/ES इज NP/NS इज इक्वल टू IS/
एन पी, वो तो बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका, ठीक। तो इसके अंदर इसलिए मुश्किल लगता है लोगों को क्योंकि उसने एक तो डायनमो का नाम नहीं लिया। अब लोगों को जो याद करके गए हैं डेरिवेशन, वो बेचारे कहाँ सोच लेंगे कि यार ये डायनमो का क्वेश्चन है, चलो किसी को लग गया पता। अब वो डेरिवेशन याद करके, या तो ना डायनमो के अंदर वो कह रहा है कि ठीक है सारी वैल्यूज गिवन है, उसने कहा कि मैक्सिमम एवरेज ईएमएफ निकाल लो। अब मैक्सिमम ईएमएफ तो लोग फिर भी निकाल लेंगे क्योंकि मैक्सिमम ईएमएफ क्या होती है, एनबीए ओमेगा, यहां तक तो डन हो गया, और एरिया इसमें पाई आर स्क्वायर है, डन। मैक्सिमम ईएमएफ आ गई, फिर उसने कहा कि एवरेज ईएमएफ निकालो। अब आपने दो आंसर लिखने हैं, अगर तो कंप्लीट साइकिल है एसी का फिर तो एवरेज ईएमएफ है जीरो, हाफ साइकिल पे एसी चैप्टर किया था हमने 2 बाय पाई इनटू ई नॉट, तो आंसर एवरेज वैल्यू याद है, आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू वो है। फिर उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है कि अगर रेजिस्टेंस गिवन है, वो कह रहा है इसकी कैलकुलेट मैक्सिमम करंट इन द कॉइल एंड एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल्स हीटिंग, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, ई नॉट बाय रूट टू, ई नॉट की वैल्यू हमें पता है यहां से बाय रूट टू, और पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर, और आई में पावर में क्या पुट करते हैं, आई आरएमएस स्क्वायर आर। अब जो बच्चा डेरिवेशन याद करके गया है कि मैं तो जी याद करके 90% लूंगा, उसके बस का कहाँ है यार, वो तो फिर अखबार में जाके निकलवाएगा कि जी पेपर मेरे बस का नहीं था, मुश्किल था। सच्चाई है यार, वो भी तो ठीक ही तो कह रहा है, तो पर आप ऐसा ना करें, आप समझें। वो एक बहुत बहुत ज़्यादा कोई आईआईटी के क्वेश्चन नहीं दे रहा कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, एक बेचारा छोटा सा पूछ रहा है कि आपको समझ में आ गया कि ईएमएफ इतनी और एवरेज ये होती है, समझ में आ गया तो ठीक है, डन हो गया। तो जिनके 90 आने हैं, जो थोरो कोर्स करके गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक, जितना मर्जी मुश्किल पेपर हो उन्होंने तो 90 प्लस लेने ही हैं, पक्की बात है। उनको फर्क पड़ता है जो 23 का टारगेट लेके चलते हैं कि बस 23 लेके आने हैं, उनके आते हैं 16-17 फिर, ठीक। या जो मतलब भगवान का नाम लेके जाते हैं कि बस हो जाए बस, तो बस फिर वो हो तो जाते हैं, अब क्या क्या कर सकते हैं, उस एक साल खराब हो जाता है ना, फायदा कोई नहीं, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो टारगेट बनाओ 90 प्लस का टारगेट बनाओ और सारा कुछ करके चलो, क्या दिक्कत है। इतना मुश्किल पेपर कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखो तो कहाँ है मुश्किल, ठीक ही तो आ रहा है पेपर, बार बार प्रैक्टिस करोगे ठीक हो जाएगी। तो यहाँ तक ये दो क्वेश्चन तो आपके देखो एक पेपर में आए ही हुए हैं। उसी तरीके से 2018 के अंदर भी देख लेते हैं क्या है। 2018 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से कुछ भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं, सिक्स्थ भी नहीं, सेवन्थ भी नहीं, एट्थ भी नहीं है, नाइन्थ भी नहीं है, 10, 11 भी नहीं है, सेवनटीन तक भी नहीं है, 18 तक भी नहीं है, सारा पेपर निकल गया, 19, 20 24 एसी जनरेटर 25वां प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर फिर से आ गया, लेवल डायग्राम से फिर से कर दो वो कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया एरोप्लेन वाला जो आज हमने किया था, बीएलवी, और हॉरिजॉन्टल में बीएलवी में भी वर्टिकल, सेम क्वेश्चन आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब पेपर तो मुश्किल नहीं आ रहा, और सेल्फ इंडक्शन नहीं आ रही, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं आ रही, मेरे पे बिल्कुल विश्वास ना करना और इन पर ना करना, क्या पता आ जाए आपके सेट में, तब थोरो सिलेबस करके जाना। अब दो बार जनरेटर आ गया है, थोड़ा ही आपके किस्मत जनरेटर आ गया कि आप तो कुछ और आ जाए, तो आप प्लीज़ अच्छे से तैयारी करके जाना। ये 2 साल के पेपर है, और ये यूलाई का पेपर है, यूलाई का पेपर ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, ऑलमोस्ट शीट्स में कवर्ड ही है सारा। जैसे इस क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट, 6.7 से। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलोइंग विद अ स्पीड ऑफ 50। लो जी कंडक्टर गिर रहा है नीचे, वायर मान लो वो ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट ये एल है, ये नीचे गिर रहा है। जब ये नीचे गिरेगा तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा, बीएलवी में बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल गिर रहा है तो बी हॉरिजॉन्टल। तो एक आंसर तो देखते ही पता लगता है कि इसका ये आंसर है। फिर और भी पार्ट्स है ना, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या है, कह रहे अब डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ में ये ईस्ट से वेस्ट है, ये नीचे गिर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फील्ड जो होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है, तो मान लो वो नॉर्थ है ये साउथ है,
तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है कि बी थंब नीचे गिर रहा है, कंडक्टर नीचे गिर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, नॉर्थ से साउथ है, तो करंट कहां जनरेट होगा, वेस्ट से ईस्ट, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट ये लिया तो वेस्ट से ईस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट है, कहां गया, गिरा वेस्ट से ईस्ट है। ये इतनी आसानी से जो मैंने निकाल दिया, इतनी आसानी से फिर से नहीं निकला, मैं दूसरे बैच में खूब प्रैक्टिस करके आया हूँ और मैंने बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन लगाए हैं। अब मेरे को ये क्वेश्चन रटा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आपके लिए इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। मतलब मैंने पूरा तिकड़म लगाया कि ये नॉर्थ है साउथ है, अब मेरे को याद है कि ये अगर ईस्ट से वेस्ट है तो, और नॉर्थ से साउथ जाती है अर्थ की हॉरिजॉन्टल लाइंस, फिर मैं फ्लेमिंग का रूल काफी देर लगा के फिर मैंने ये आंसर निकाला। ठीक, मतलब ये ना सोचना कि अच्छा ये कैसे पता लग गया, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ नहीं पता लगता, दूसरे बैच में आगे देखोगे यार पूरी फाइट देते हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब पूरा हर कोई रूल लगा रहा होता है इसमें। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट है ना, आपको भी रट जाएगा थोड़ी देर में। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यार ठीक है, किया हुआ है यार, लो जी वैसे ही स्टेट डन। ठीक, नेक्स्ट है विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब क्योंकि ईएमएफ वेस्ट से इंड्यूस करंट वेस्ट से ईस्ट है, तो करंट इंड्यूस कहां से मूव करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल, तो ईस्ट इज एट हायर पोटेंशियल। ठीक, थोड़ा ट्रिकी था ये वैसे। अगला आसान है 6.8, करंट फॉल कर रहा है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर 0.1 सेकंड में, ईएमएफ आपको गिवन है, सेल्फ इंडक्शन निकालनी है, तो E is LdI by dt, तो यहां से करंट का चेंज पता है, आप यहां से अपना आंसर निकाल सकते हो। 6.10 जेट प्लेन वाला क्वेश्चन है, काफी आपको हर उसमें दिख ही जाता है जेट प्लेन वाला क्वेश्चन, तो पूरे का पूरा सेम टू सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसमें जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इसमें आते हैं, प्रिडिक्ट दी डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन तो आप निकाल ही लोगे, जैसे करंट अगर राइट की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो करंट अगर राइट इंक्रीज हो रहा है, स्कैन नहीं है मेरे पास पेजेस इसके, करंट अगर राइट इंक्रीज हो रहा है तो बी कैसे प्रोड्यूस करेगा बाहर, तो ये नहीं चाहेगा कि बाहर हो तो ये क्या करेगा अंदर, और करंट क्लॉकवाइज, तो एक में क्लॉकवाइज तो नीचे में एंटी क्लॉकवाइज। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में रिंग नीचे गिर रही है करंट कैरिंग वायर के पास, करंट कैरिंग वायर के पास जाएगा तो बी बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे बी बढ़ेगा तो क्या होगा इसमें, जैसे जैसे बी इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे ये नहीं चाहेगा कि बी इंक्रीज हो, तो इसमें अगर करंट इस तरफ है तो बी बाहर है, ये नहीं चाहेगा कि बी, तो ये बी अंदर कर लेगा, तो करंट कैसे होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? मैं बता रहा था कि अगर रिंग पास आ रही है और फील्ड यहाँ पर बढ़ता जा रहा है तो ये नहीं चाहेगा फील्ड बढ़ेगा, तो ये अंदर की तरफ ना भी कर लेगा, फैराडेज लॉ। बाकी ये सारे क्वेश्चन जितने भी चल रहे हैं ना, स्कैन अच्छे नहीं हुए, बट ये मैंने लेंस लॉ के अंदर आपको सारे करवा दिए हैं, ये सारे यहीं से मैंने ऑलमोस्ट देख लिए थे यूलाइक में से, तो जब मैंने शीट बनाई थी तो मैंने देखे थे सारे। 16th में व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, बता दिया मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या था, मोशन ऑफ कॉपर प्लेट इज डैम्प्ड when it is allowed to oscillate between the poles of the magnet, what is the cause of damping, eddy current is the cause of damping, motion kyun ruk jati hai, eddy currents ki wajah se, motion of copper plate is damped when it is allowed to oscillate between the poles of magnet, if slots are cut in the plate, damping ko kaise affect hoga, bhai agar tum cutting aise kar doge to resistance badh jayegi to current kam ho jayega, eddy current kam hoga to damping bhi kam hogi, तो डैम्पिंग मतलब आपकी मोशन पहले तो डैम्प हो चुकी है, रुक चुकी थी, अब पूरी तरह रुकेगी नहीं, अब थोड़ी बहुत मोमेंट उसमें होगी। ठीक, नेक्स्ट है एप्लीकेशन, ठीक है 21 है, अ लाइट मेटल डिस्क ऑन द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज थ्रोन अप, किया हमने, ढक्कन उड़ जाता है एडी करंट्स की वजह से, एक सोलेनोइड के ऊपर अगर कैप रखोगे तो उड़ जाता है एडी करंट्स की वजह से। नेक्स्ट है 22, टू स्फेरिकल बॉब्स, एक मेटल का है एक ग्लास का, नीचे गिरा गया, कौन पहले नीचे गिरेगा, मेटल का जो
जो आपका स्फेयर होगा उसमें एडी करंट जनरेट होंगे जो उसकी मोशन को अपोज करते हैं, तो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, ग्लास में एडी करंट नहीं, वो पहले नीचे गिरेगा, मेटल थोड़ा सा लेट गिरेगा बिकॉज एडी करंट उसको गिरने से मोशन को अपोज करते हैं, रोकेंगे। हाउ कैन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ गिवन कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स कैसे अफेक्ट होंगे? अगर हम क्या करेंगे, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ एल बी इंक्रीज। अच्छा, तो कह रहा है कि आप एक इंडक्टर की सेल्फ इंडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो, कुछ ना करो, उसमें सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दो तो सेल्फ इंडक्शन म्यू आर टाइम्स हो जाती है, आज हमने किया, म्यू आर टाइम्स हो जाती है। फिर वो कह रहा है इस ग्राफ में देखते हो, ये बताओ कि किसका एल बड़ा है, तो इसकी स्लोप क्या है, फाइव डिवाइडेड बाई आई, फाइव बाई आई क्या होता है एल, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका एल भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं, डबल करते हैं, तो एल कैसे इंक्रीज होगा, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, तो फोर टाइम्स हो जाएगा। सोलेनोइड विद एन आयरन कोर एंड बल्ब आर कनेक्टेड टू डीसी सोर्स, हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज? जब आयरन कोर को रिमूव करेंगे सोलेनोइड में से, भाई डीसी करंट है, डीसी करंट कॉन्स्टेंट करंट है, तो उसका सोलेनोइड से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सेल्फ ईएमएफ इसमें कोई काम करेगी नहीं, बिकॉज डीसी करंट इज अ कॉन्स्टेंट करंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। तो डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन सही है, नेम टू फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड, एक नंबर ऑफ टर्न्स पे, एक ओरिएंटेशन पे। हाउ डज म्यूचुअल इंडक्शन चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इज डिक्रीज्ड? भाई जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो म्यूचुअल इंडक्शन तो कम ही होगी, और बी पार्ट है नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज, भाई नंबर ऑफ टर्न डिक्रीज करोगे तो भी म्यूचुअल इंडक्शन डिक्रीज ही होगी, दोनों डिक्रीज है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, ये सारे क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन, लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को जस्टिफाई करो, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। अ सोलेनोइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी सो दैट स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर आयरन कोर को इंसर्ट करते हैं सोलेनोइड के अंदर, करंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? देखो, बैटरी से करंट आ रहा था सोलेनोइड में, आपने एकदम सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर दिया तो सोलेनोइड का फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ा, वो नहीं चाहेगा फ्लक्स बढ़े, उसको कम करेगा, जब कम करेगा तो बैटरी का करंट कम हो जाएगा, तो ओवरऑल करंट विल डिक्रीज, तो आप फ्लक्स बढ़ाएंगे, करंट डिक्रीज की तरफ हो जाएगा क्योंकि वो बढ़ने नहीं देगा, उसको वो कम करेगा, तो डिक्रीज आंसर होगा इसमें। ये हमने कर लिए सारे, ये सारा मैंने यहीं से ड्रॉ वैसे रेफर किया था, ये हमने कर लिया, जब रॉड सर्कल में घूमती है तो ईएमएफ जनरेट क्या होता है, आज हमने कर लिया। रेक्टेंगुलर कॉइल मोशनल ईएमएफ की प्रॉब्लम, बीएलवी बाय आर, सेम करंट जनरेट करो बीएलवी बाय आर। ये बल्ब वाले क्वेश्चन आज मैंने करवाए कि इंडक्टर और रेजिस्टर जब कनेक्टेड होता है क्या करना है, एसी का क्वेश्चन है, हाफ एल आई स्क्वायर, म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है यार, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप इसको गो थ्रू करो, डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा, बट आपको पेपर से आइडिया हो गया कि बेसिक क्वेश्चन आता है, आपको थॉरो जो बेसिक शीट्स हैं जो हमने की थी वो बहुत अच्छे से करनी है, वहीं से आपकी बात बन जानी है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।